कर्नाटक के एक शिक्षण संस्थान में छात्राओं के हिजाब पहनकर आने को लेकर उठा विवाद देश भर में तूल पकड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा मंगलवार को हिजाब को लेकर दिए गए बयान के बाद यह मुद्दा गर्मा गया। हालांकि एक दिन बाद ही सीएम की नसीहत के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री अपने बयान से किनारा कर गए, लेकिन हिजाब लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। विरोध के नाम पर लड़कियां हिजाब पहनकर तरह तरह के करतब करती नजर आ रही हैं। वहीं बुधवार को राजधानी में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवतियां हिजाब बांधकर बाइक से फर्राटा भरती नजर आ रही हैं। यह वीडियो वीआईपी रोड का बताया जा रहा है। युवतियों का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसको लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस हिजाब के मुद्दे को लगातार तूल दे रही है। हिजाब में बाइक चलाती युवतियों का वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने भी इसका संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि भोपाल में हिजाब पहनकर बाइक पर स्टंट का वीडियो कब का है, इसकी जांच की जाएगी। कांग्रेस ऐसे विषयों को जिंदा रखना चाहती है। संवेदनशील विषयों पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। बता दें, बुधवार शाम को हिजाब बांध कर बाइक चलाने के दो वीडियो वायरल हुए थे। इनमें से एक में तो चार युवतियां एक बाइक पर सवार हैं, सभी ने हिजाब बांध रखा है। इसके साथ ही इंटरनेट मीडिया पर मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर चर्चा छिड़ गई। लोगों ने बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने पर नियमों का उल्लंघन बताते हुए वीआईपी रोड पर पुलिस चेकिंग पर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। मामले में डीसीपी रियाज इकबाल का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है, कैमरों के फुटेज चेक कराए जा रहे हैं, नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह भोपाल के कॉलेज की छात्राओं का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे हिजाब पहनकर क्रिकेट और फुटबॉल जैसे गेम खेलती नजर आ रही हैं। ये कॉलेज कांग्रेस के स्थानीय विधायक आरिफ मसूद का बताया जा रहा है।